हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल, साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास है वैसे सहपाठियों के लिए जो आने वाले वक्त में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं। उसके लिए खुशखबरी से कम नहीं है कि MPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए विज्ञप्ति जारी किया है, वो भी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। ये किसी भी तरीके का गेस्ट फैकल्टी के लिए वैकेंसी नहीं निकाला गया है, बल्कि ये परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी है, जहां पे अगर यदि आपको जॉब मिल जाता है तो बहुत मोटी रकम में सैलरी मिलने वाली है, साथ ही साथ आप एक परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए मैं आपको लिए चलता हूँ नोटिफिकेशन के ऊपर जो जारी किया गया MPSC द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए। बात करें उस नोटिफिकेशन का, तो ये वो नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन हालांकि 29 जनवरी 2019 को ही जारी कर दिया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो लास्ट डेट जो रखा गया फॉर्म भरने का, वो 28 फरवरी 2019 है। अगर यदि आप चाहें तो इस फॉर्म को अभी भी भर सकते हैं इजिली। अगर यदि बात करें इसका कितना फी रखा गया फॉर्म भरने के लिए, तो फी है ₹300 जनरल और OBC कैटेगरी के लिए, वहीं SC ST कैटेगरी के लिए ₹0 रखा गया, किसी भी तरीके का कोई फी नहीं रखा गया। दोस्तों, यदि मैं बात करूं, आप अगर यदि कि मिजोरम से यदि कि आते हैं तभी आपको वहां पे कैटेगरी का लाभ मिल पाएगा या फिर कहिए रिजर्वेशन मिल पाएगा। अदरवाइज अगर यदि आप किसी भी 28 राज्य से हैं तो फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन वहां पे नहीं मिलने वाला है। तो अगर यदि आप 28 राज्य में से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आपको ₹300 पे करना होगा इसका अप्लीकेशन फी। वहीं SC ST अगर कैटेगरी से आप यदि बिलोंग करते हैं तो आपको एक भी रुपया फी पे नहीं करना होगा। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर का ये पोस्ट है। यहाँ पे देखिए सोशियोलॉजी से सीट आया है, कॉमर्स से 4 वैकेंसी आया है, पॉलिटिकल साइंस से 6 आया है, ज्योग्राफी से 6 आया है, इंग्लिश से 10 वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स से 3, हिस्ट्री से 1, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव से 1, साइकोलॉजी से 1, एजुकेशन से 7 वैकेंसी है, वहीं बोटनी से 3, फिजिक्स से 1, जूलॉजी से 1, केमिस्ट्री से 2, और बात करें अगर हिंदी का तो 3, और लॉ से 3 वैकेंसी आया हुआ। तो लगभग सभी विषयों से अच्छा खासा सीट आया है। मैं ये अच्छा खासा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक तो परमानेंट वैकेंसीज आती नहीं है, और अगर यदि आती भी हैं तो इतना सीट बहुत कम सारे यूनिवर्सिटीज से देखने को मिलता है। आगे अगर यदि बात करें रिजर्वेशन का, तो रिजर्वेशन वहाँ के जो होंगे मिजोरम के, उसी को रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा। अगर यदि नेम ऑफ द डिपार्टमेंट जहाँ पे आप लोग अपॉइंट होंगे, उस डिपार्टमेंट का नाम होगा हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप लोग अपॉइंट होंगे। नंबर ऑफ सीट्स का अगर यदि बात करें तो टोटल 69 वैकेंसीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट से। यहाँ पे देखिए पे स्केल 15,600 से 39,100 प्लस AGP भी 6,000 आपको मिलने वाला है, मतलब लगभग 60,000 से भी अधिक आपको यहाँ पे वेतन मिलने वाला है अगर यदि कि आप यहाँ पे अपॉइंट हो जाते हैं तो। मिनिमम एलिजिबिलिटी का यदि बात करें तो आपके पास PG में 55% मार्क्स चाहिए, उसके साथ या तो नेट होना चाहिए या फिर सेट, या फिर आपके पास PhD का डिग्री होना चाहिए। अगर यदि कि आपके पास नेट का डिग्री है PG के साथ तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें, मेरा आपसे ये अनुरोध है, क्योंकि ऐसे स्टेट में बहुत कम स्टूडेंट पहुंच पाते हैं, फॉर्म भर पाते हैं, और वैसे स्थिति में इजीली आपका वहां पे जॉब होने की संभावना बढ़ जाती है। ये था वो पूरा नोटिफिकेशन। अगर यदि बात करें कि आप फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं, तो ये एक इशू है कि फॉर्म को आप ऑनलाइन फिल नहीं कर सकते हैं, आपको ये फॉर्म ऑफलाइन फिल करना होगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्म है ये आपको जा करके मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस से प्राप्त करना होगा, उसके बाद आपको ऑफलाइन वहीं पे फॉर्म जमा करना होगा DD के साथ, मतलब डिमांड ड्राफ्ट 300 का बनवा कर वहीं पे आपको जमा करना होगा। तो ये इसमें एक इशू है, लेकिन अगर यदि कि आपके पास नेट का डिग्री है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। हाँ, थोड़ा सा आपको जाना पड़ सकता है
मिजोरम, वहां पे चले जाइए, लेकिन फिर भी आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर जिसके आप इस फॉर्म को भरते हैं तो कि आपको जॉब मिल जाए। तो दोस्तों ये था आज का नोटिफिकेशन, कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही साथ इस तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए, चूंकि कहीं से भी पूरा ऑल ओवर इंडिया से यदि असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसीज आते हैं, चाहे वो परमानेंट हो या फिर वो टेम्पररी बेस का हो, मैं आपको सबसे पहले अपडेट कराता हूँ। इस तरीके के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए।